नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर में। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद चौहान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। और दोस्तों, आज से हम आरआरबी जेई के लिए पढ़ने वाले हैं। आरआरबी जेई 2023 में इसका एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन भी दोस्तों 2023 में ही आएगा, कभी भी आ सकता है, कभी भी इसका एग्जाम हो सकता है। इसलिए हम अभी से प्लान किए हैं कि अगर हम अभी से पढ़ेंगे दोस्तों तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम होगा, जिससे कि हम इसका पूरा सिलेबस कवर कर सकें। और दोस्तों बता दूं, इसका सिलेबस काफी वाइड है। नॉन टेक टेक्निकल का तो सभी सेम होता है, चाहे आप एसएससी जेई की बात करें या फिर आरआरबी जेई की बात करें। यहाँ पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है दोस्तों, एसएससी जेई में मैथ नहीं आता है, बट यहाँ पे दोस्तों मैथ आता है, मतलब एप्टीट्यूड। एसएससी जेई में कंप्यूटर बहुत ही कम पूछा जाता है, बट यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर अलग से एक सेक्शन है, 10 मार्क्स का पूछा जाता है। और ऐसे ही दोस्तों इकोलॉजी भी यहाँ पे 10 मार्क्स का पूछा जाता है। और आप देखेंगे साइंस, अगर बात करें एसएससी जेई में तो साइंस में इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, वेटेज तो रखता है, बट जैसा कि आरआरबी जेई में है, सीबीटी 1 में 20 मार्क्स का पूछता है और सीबीटी 2 में दोस्तों 15 मार्क्स का पूछता है। तो हम क्या करेंगे, हम आरआरबी जेई के लिए पढ़ेंगे सभी चीजें, और साथ में दोस्तों 2023 में एसएससी जेई का भी एग्जाम होगा, तो उसका नॉन टेक भी कवर हो जाएगा। टेक्निकल ऑलरेडी चला है, आप टेक्निकल भी पढ़ सकते हैं। इस टाइप से हम पूरे आरआरबी जेई के एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं। तो हम पहले साइंस पढ़ेंगे, क्योंकि साइंस का सबसे ज्यादा वेटेज है, और साइंस को कंप्लीट करने के बाद आगे के सब्जेक्ट पर चलेंगे। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है दोस्तों बायोलॉजी। तो आज बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानेंगे हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। यहां पर लिखा है दोस्तों बायोलॉजी, सबसे पहले मतलब समझेंगे बायोलॉजी होता क्या है। बायोलॉजी में आप देख रहे हैं पहला वर्ड है बायो, और बायो का मतलब होता है दोस्तों लाइफ। एंड लॉजी आपको पता है, जहां पे भी लॉजी लगा है उसका मतलब होता है दोस्तों स्टडी। तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ को या जीवन के अध्ययन को हम बायोलॉजी बोलते हैं, जीव विज्ञान बोलते हैं। यहां पे देखो दोनों लैंग्वेज में क्लासेस होंगी, हिंदी और इंग्लिश, और दोनों लैंग्वेज में ही आपको पीडीएफ मिलेगा। आप देख सकते हैं नीचे सभी चीजें हिंदी में लिखी हैं और ऊपर इंग्लिश में। तो जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, दोनों चीजें साथ साथ चलने वाली। अब यहां पे हमने बात की दोस्तों बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लाइफ मतलब जीवन का अध्ययन, जीव विज्ञान कहलाता है और बायोलॉजी कहलाता है। यहां पे बात करते हैं जो बायो वर्ड है ये किस वर्ड से ड्राइव हुआ है, तो ये है दोस्तों एक ग्रीक वर्ड। ये कौन सा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। हम यहां पे देखो बायोलॉजी में दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक जूलॉजी जिसमें हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ एनिमल, ठीक है दोस्तों। एक होता है दोस्तों बॉटनी जिसमें हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ प्लांट। तो हम दो सेक्शन में डिवाइड करके बायोलॉजी को पढ़ने वाले। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ साइंटिस्ट के नेम जो कि एग्जाम में पूछता है, उनसे रिलेटेड क्या क्या उन्होंने इन्वेंशन किए, तो ये सभी चीजें पूछी जाती है। तो सबसे पहला है फादर ऑफ मेडिसिन, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों चिकित्सा के जनक, चिकित्सा विज्ञान के जनक, या फिर फादर ऑफ मेडिकल साइंस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेडिकल साइंस। तो ये हो जाएंगे आपके हिप्पोक्रेटस, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, हिप्पोक्रेटस कौन है, ये है दोस्तों फादर ऑफ मेडिकल साइंस या फिर मेडिसिन। चलिए फिर बात करेंगे हम फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, दोनों के एक ही फादर हो जाएंगे दोस्तों, बायोलॉजी के भी और जूलॉजी के भी, एरिस्टोटल, ठीक है। वहीं पर बात करते हैं दोस्तों हम फादर ऑफ बॉटनी एंड इकोलॉजी,
तो बोटनी क्या है अभी मैं बता चुका हूं, आगे भी हम इसको पूरा कवर करने वाले हैं। बोटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, पादप की अध्ययन करते हैं, और इकोलॉजी में दोस्तों हम एनवायरमेंट का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इन दोनों के फादर हो जाएंगे थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस किसके फादर हो जाएंगे दोस्तों? बोटनी के एंड इकोलॉजी के। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का सबसे ज्यादा यूज कहां पे होता है? मेडिकल साइंस में होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे दोस्तों जो भी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, इनको इनलार्ज करके देखना होता है। तो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। ठीक है, इनको बोलते हैं दोस्तों फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम दोस्तों स्टडी करते हैं सेल की। सेल क्या है अभी जस्ट हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं, तो सेल के ऊपर कम से कम दो लेक्चर आएंगे और हम कंप्लीट करेंगे सेल को। और देखो दोस्तों हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हमारी अप्रोच रहेगी कि हम हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक और साथ में उसका क्वेश्चंस कराएं। मतलब बायोलॉजी चल रहा है तो बायोलॉजी का एक एक टॉपिक, फिर उसका क्वेश्चंस, फिर नेक्स्ट टॉपिक, फिर उसका क्वेश्चन। इससे क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके सभी डाउट साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। हम सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम साथ के साथ हर चैप्टर का क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम सेल का अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं। तो ये हो जाएंगे दोस्तों रॉबर्ट हुक, याद रखना। फिर बात करेंगे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर। टैक्सोनॉमी क्या होती है? देखो जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम क्लासीफाई करते हैं, उनको हम सिमिलैरिटी के आधार पे क्लासीफाई करते हैं, उनको वर्गीकृत किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी बोलते हैं दोस्तों, वर्गीकरण हिंदी में बोलते हैं। और नोमेनक्लेचर का मतलब है नामकरण करना, उनका नाम रखना। ठीक है, तो इनके फादर हो जाएंगे कैरोलस लिनियस, याद रखना है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड नोमेनक्लेचर, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर हम बात करेंगे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, इम्यूनोलॉजी में जो हमारा इम्यून सिस्टम है इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है जिसको हम इम्यून सिस्टम बोलते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, और इसको बोलेंगे हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी को एडवर्ड जेनर, याद रखना है एडवर्ड जेनर। चलिए फिर बात करते हैं फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो भी पैथोजन से क्रिएट हुई है डिसीज इन प्लांट, मतलब पादप में जो पैथोजन से डिसीज आती है उनका अध्ययन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, और इनके फादर हो जाएंगे डी बर्ग। फिर हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका फादर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सिस। देखो कंडीशन रिफ्लेक्सिस को हम अच्छे से पढ़ेंगे, जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा, नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा, तब वहां पे आपको समझ में आएगा क्या होता है कंडीशन रिफ्लेक्सिस। थोड़ा सा बता देता हूं, देखो जो भी आप रेस्पोंड करते हैं किसी चीज को, सडनली रेस्पोंड करते हैं, अगर आप आपके हाथ कहीं पे हॉट चीज पे अगर टच हो रहा है तो आप एकदम से हटा लेते हैं, वो क्या है दोस्तों? वो है कंडीशन रिफ्लेक्सिस। अगर आपकी आंख में धूल जाने वाली है आप एकदम पलके झुका लेते हैं, वो क्या है दोस्तों? कंडीशन रिफ्लेक्सिस। तो इसकी स्टडी की थी पावलोव ने, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्सिस। हम बात करेंगे दोस्तों फादर ऑफ एंटीबायोटिक। जो आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं बीमारी में, उनके फादर कौन हो जाएंगे? तो सिंपल सा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए फिर बात करते हैं फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, इसको भी हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको भी दोस्तों हम डीपली कवर करेंगे, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन से।
तो ब्लड सर्कुलेशन के फादर कौन हो जाएंगे, इनके जनक कौन हो जाएंगे, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। फिर हम बात करेंगे फादर ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आपने देखा होगा ए बी, ए बी ओ, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं ब्लड ग्रुप। तो इनके फादर हो जाएंगे दोस्तों लैंड स्टेनर। लैंड स्टेनर। चलिए फिर बात करते हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इसको बोलते हैं दोस्तों हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे दोस्तों क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम वहां पे नई नई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। तो अगर मैं वर्ल्ड वाइज बात करूं, पूरे विश्व की बात करूं, तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलेंगे हम नॉर्मन ई बार्लो को। और वहीं पे दोस्तों अगर इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें तो ये हो जाएंगे फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन, याद रखना है। फिर है दोस्तों बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, ये हो जाएंगे सलीम अली। फिर है आपका फादर ऑफ इंडियन पैलियो बोटनी। देखो पैलियो बोटनी में दो वर्ड है, एक पैलियो और एक बोटनी। बोटनी का मतलब आपको पता होगा स्टडी ऑफ प्लांट। और वहीं पे दोस्तों पैलियो का मतलब क्या होता है, पैलियो का मतलब होता है ऐसे प्लांट जो लुप्त हो चुके हैं, जो डिस्टिंक्ट हो चुके हैं दोस्तों। तो उनको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फॉसिल। तो जीवाश्म पादप और इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फॉसिल। तो फॉसिल प्लांट की स्टडी क्या कहलाती है, पैलियोबोटनी कहलाती है, कई बार पूछ चुका है। और इनके फादर हो जाएंगे बीरबल साहनी, इंडियन है। फिर हम बात करेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स, आप सभी जानते होंगे जेनेटिक्स क्या होता है, अलग से चैप्टर है, हम अच्छे से पढ़ेंगे, जोहान मैन। तो ये कुछ साइंटिस्ट के नेम और उन्होंने क्या क्या चीजें इन्वेंट की बायोलॉजी में, तो ये हम पढ़ चुके हैं। और जो भी आएगा दोस्तों आगे मैं आपको बताता चलूंगा लेक्चर के बीच में। तो चलिए अब हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, जिसका नाम है दोस्तों सेल। तो सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे और जानेंगे सेल के बारे में। एक बार पानी पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए। देखो दोस्तों सेल क्या होता है, अगर मैं बात करूं एक लिविंग है एक नॉन लिविंग, एक लिविंग थिंग है एक नॉन लिविंग थिंग। जैसे कि हम अपनी बात कर रहे हैं और इस पेन की बात कर रहे हैं, तो इस पेन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैटर। और हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं तो हमारी हो जाएगी ह्यूमन बॉडी। तो मैटर किससे मिलकर बना है ये आप बता सकते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। ये मिलकर बनता है दोस्तों मॉलिक्यूल से, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल किससे मिलकर बनते हैं, ये मिलकर बनते हैं एटम से। एटम को पहले हम फंडामेंटल पार्टिकल बोलते थे, उसके बाद इनके सब एटॉमिक पार्टिकल भी आए, उस बात को हम यहां पे नहीं करेंगे। तो यहां पे जैसे एटम है वैसे ही दोस्तों हमारी बॉडी में सेल होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। सेल से ही पूरी बॉडी मिलकर बनती है। देखो कैसे बनती है, सेल आपस में कंबाइन करेगी बनाएगी टिश्यू, और सेम स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने वाले, सेम काम को करने वाले टिश्यू मिलके क्या बनाएंगे दोस्तों, ये बनाएंगे ऑर्गन। और सेम स्पेसिफिक फंक्शन करने वाले जो टिश्यू हैं, जब ये ऑर्गन बना देंगे तो उसके बाद दोस्तों ये बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम। तभी ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम जब बन जाएगा तो हमारी बॉडी बन जाएगी। तो ऐसे दोस्तों हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे छोटा इकाई क्या है, सबसे छोटी यूनिट है सेल। सेल से ही अराइज होती है पूरी बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे छोटी इकाई। और इसी को दोस्तों हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा जीवन है
हमारी लाइफ है ये इसी से मिलके बनती है। यहां पे हमने लिखा है स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। साइटोलॉजी क्या है दोस्तों? जिसमें हम सेल का अध्ययन करते हैं, वो ब्रांच। अब यहां पे देखो भाई, ऐसा तो नहीं था कि पहले से ही सब चीज जानते थे कि सेल होती है, ऐसा फंक्शन होता है, ये सब चीज होते हैं। तो इसको बाद में पता करा कि भाई सेल भी होती है। किसने पता करा दोस्तों? तो इसकी डिस्कवरी की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने दोस्तों 1665 में डिस्कवर किया सेल। और कौन सा सेल था दोस्तों? ये डेड सेल था। इसमें कॉर्क में, और क्या होता है दोस्तों? एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, वुडन पीस होता है, आपने देखा होगा जो महंगी वाइन होती है उसमें लगा होता है, जैसे कि सैंपियन। सैंपियन में आपने देखा होगा ऊपर जो लगा होता है उसका ढक्कन, वो क्या होता है दोस्तों? वो कॉर्क का होता है। तो उसकी सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। सभी क्वेश्चन पूछता है कब किया था? 1665 में। कौन सी सेल को किया था? डेड सेल को ऑफ कॉर्क। फिर बात करेंगे लिविंग सेल को किसने किया, तो लिविंग सेल को किया था दोस्तों लीवेनहॉक ने। इसकी बात करेंगे, पहले यहां पे देख लेते हैं सेल। इट इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। देखो दोस्तों, सभी चीजों का मतलब पता होना चाहिए। फंडामेंटल का मतलब इससे छोटी इकाई नहीं है हमारी पूरी बॉडी में, इससे छोटी यूनिट नहीं है हमारी पूरी बॉडी में, यहीं से सब चीज बनती है। इससे छोटी यूनिट हुई और इसी से पूरा स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों। सारे फंक्शन जो हम सांस ले रहे हैं, हम दोस्तों हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को, ठीक है, ये क्या है? ये सभी चीजें सेल परफॉर्म करती है। सेल परफॉर्म करती है दोस्तों, इसलिए इसको बोलते हैं ये एक फंक्शनल यूनिट भी है एंड बायोलॉजिकल यूनिट भी। सारे बायोलॉजिकल क्रियाकलाप सेल के द्वारा ही किए जाते हैं। बात करेंगे दोस्तों, लीवेनहॉक फर्स्टली ऑब्जर्व लिविंग सेल इन पॉन्ड वॉटर। तो दोस्तों लीवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया, किसमें? पॉन्ड वॉटर, ठीक है, तालाब के पानी में। अब यहां पे बात आती है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी दी थी दोस्तों शेल्डन एंड श्वान ने। इंपॉर्टेंट है, शेल्डन और श्वान दो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी। इन्होंने सेल थ्योरी में दोस्तों बताया, इनके हाइपोथेसिस थे, इनके सिद्धांत थे कि सभी ऑर्गेनिजम्स, सभी जीवधारी सेल से मिलकर बनते हैं। ये एक सेल के बन सकते हैं और एक से ज्यादा सेल के बन सकते हैं, बट ये जरूरी है कि वे सेल से बने होते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन। तो दोस्तों सेल क्या है? एक सबसे छोटी और मोस्ट बेसिक यूनिट है, ये हम बात कर चुके हैं। तो ये दो थ्योरी दी थी, ये दो हाइपोथेसिस दिए थे दोस्तों शेल्डन एंड श्वान ने। बट आपको पता है हमारी जो बॉडी है इसमें ट्रिलियन सेल है, और ये डेली डेड भी होती है और न्यू सेल भी बनती है। भाई डेड भी होती है, देखो हम बड़े हो रहे हैं, भाई छोटे थे तो कम सेल थी, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं तो सेल बढ़ती चली जाती है। तो ये ग्रो कैसे करती है, न्यू सेल कैसे बनती है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे शेल्डन एंड श्वान। इन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल आर फॉर्म, कैसे न्यू सेल बनती है। बट आगे चल के दोस्तों दूसरे साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ विर्चाउ। तो रुडोल्फ विर्चाउ ने दोस्तों सबसे पहले बताया कि सेल कैसे बनती है, न्यू सेल कैसे बनती है। तो इन्होंने बोला he first explained that the pre-existing cell, जो पहले से ही मौजूद सेल है वो डिवाइड करती है, जिसको हम सेल डिवीजन में पढ़ने वाले हैं आगे चल के दोस्तों, ठीक है, वो डिवाइड करती है और डिवाइड करने पर क्या बनता है दोस्तों? दूसरी सेल बनती है। कैसे? ये एक पेरेंट सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसको बोलते हैं पेरेंट सेल, ये डिवाइड करती है दोस्तों, और डिवाइड करके दो न्यू डॉटर सेल बनाती है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सेल डिवीजन।
तो सेल डिवीजन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ये दिया था रुडोल्फ विर्चाउ ने। ध्यान रखना है आपने, यहां पे एक नोट लिखा है, नोट है दोस्तों, वायरसेस डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी। देखो जो वायरस होते हैं ये सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करते, ठीक है, याद रखना है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब हम सेल के ऊपर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जानेंगे, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, जैसे कि स्मॉलेस्ट साइज सेल, सबसे छोटी सेल, पूरे जगत की बात कर रहे हैं, पूरे हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहे हैं कि सबसे छोटी सेल किसमें पाई जाती है, ये पाई जाती है दोस्तों बैक्टीरिया में। क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्टिकम। क्या नाम है दोस्तों? बैक्टीरिया में माइकोप्लाज्मा गैलीस्पेक्टिकम, याद रखना है, दो से तीन बार रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे लार्जेस्ट सेल किसमें पाई जाती है दोस्तों, तो लार्जेस्ट सेल पाई जाती है जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जिसको बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग, उसकी सेल सबसे बड़ी सेल होती है। अब यहाँ पे हमने बात की सभी जीवधारियों में, सभी ऑर्गेनिजम्स में किसमें सबसे छोटी है और किसमें सबसे बड़ी है। अब हम अपने अंदर की बात करते हैं कि ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल कौन सी है और सबसे बड़ी सेल कौन सी है। तो यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी सेल हो जाएगी दोस्तों स्पर्म सेल। जब मैं रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा आपको तो इन चीज को हम अच्छे से डीपली डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछता है, देखो कभी भी आरआरबी जेई के नॉन टेक को अंडर एस्टिमेट मत कर लेना, क्योंकि यहाँ पे साइंस का पोर्शन अलग से पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्वेल्थ के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को भी टच करते हैं, तो मैं उसी बेसिस से आपको पढ़ाऊंगा जिससे कि आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को लगा सके। इवन दोस्तों इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद या कोई भी सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाऊंगा आप कोई भी एग्जाम दे सकते हैं, 100% आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। तो स्मॉलेस्ट सेल हमने देखी स्पर्म सेल होती है, जो कि एक सिंगल सेल होती है। ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि जो हमारी रिप्रोडक्टिव सेल होती है वो कैसी सेल होती है, ये सिंगल सेल होती है, ठीक है, और स्पर्म सेल सबसे छोटी होती है। लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी ये होती है दोस्तों एग और ओवम सेल। देखो जो फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है दोस्तों, वो है ओवरी, ओवरी से बनता है एग, और जो एग है वो दोस्तों सिंगल सेल का होता है, एग सिंगल सेल का होता है, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे टीवी में देखा होगा, यूट्यूब पे भी देखा होगा कि जो फर्टिलाइजेशन होता है उसमें एक सेल ही आपस में मिलती है और सब सेल जितनी भी ट्रिलियन सेल है वे सब नष्ट हो जाती है, सिर्फ एक सेल ही फर्टिलाइज करती है। तो लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में एग सेल हो जाएगी, जो कि फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल होता है और ये भी एक सिंगल सेल होता है। अब यहां पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, मतलब कि किस किस में कितनी कितनी सेल पाई जाती है। तो नंबर ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो इसके बेसिस पे, इसके आधार पे हम दो टाइप से सभी जीवधारियों को डिवाइड करते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं। एक होते हैं दोस्तों यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, अब इनका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है यूनिसेल्यूलर का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है। देखो हमने वहां पे बात की थी दोस्तों ह्यूमन में कोई पर्टिकुलर सेल की बात की थी, मैं आप पूरे एक जीवधारी की बात करने वाला हूं, पूरे ऑर्गेनिजम्स की बात करने वाला हूं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे सिंगल सेल पाई जाती है अमीबा में, पैरामीशियम में, बैक्टीरिया में, ये सिर्फ एक ही सेल के ही बने होते हैं, इनमें और सेल नहीं होती, ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। फिर बात करेंगे मल्टी सेलुलर की, तो देखो दोस्तों ये है अमीबा का स्ट्रक्चर, अमीबा का स्ट्रक्चर जहां पे भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं वहां पे इसको डिस्कस करूंगा, अभी इसको छोड़ दीजिए, आगे इसका रिप्रोडक्शन आएगा तो वहां पे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। यह दोस्तों स्लीपर के टाइप का पैरामीशियम। अब हम बात करेंगे
मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हिंदी में बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो इनका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जिनमें एक सेल से ज्यादा सेल पाई जाती है, जैसे कि दोस्तों फंगी, प्लांट्स, एनिमल। तो इनमें एक सेल से ज्यादा सेल पाई जाती है, ठीक है, याद रखना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों टाइप्स ऑफ सेल की, सेल के प्रकार, ठीक है। तो सेल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है दोस्तों प्रोकैरियोटिक सेल। यहां पे इसके बारे में थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूं फिर पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है दोस्तों जो कि इमैच्योर होती है। इमैच्योर का क्या मतलब है भाई, देखो कोई पर्सन इमैच्योर, उसका क्या मतलब कि उसका ब्रेन इमैच्योर, उसके सोचने समझने की शक्ति इतनी नहीं है जितनी मैच्योर पर्सन की होती है। तो यहां पे हम किसको बोले हैं, इमैच्योर ब्रेन को। ऐसे ही दोस्तों सेल्स, अगर कोई इमैच्योर सेल है तो उसका ब्रेन क्या होगा दोस्तों, इमैच्योर होगा, वो टू न्यूक्लियस नहीं रखेगा। न्यूक्लियस होता है यहाँ पे ब्रेन, सेल में जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस। तो इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब है, आगे चल के आपको सभी चीजें पता चलेंगी। जैसे कि इसमें कोई भी ऑर्गेनेल जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। यहाँ पे जो डीएनए होता है दोस्तों ये ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा रहता है। आगे चल के सभी चीजें एक एक साथ हम कवर करते चलेंगे और आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, और इसका दोस्तों ये है इमेज आप देख रहे हैं, ये दोस्तों इसमें जो भी ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, और ये है दोस्तों डीएनए न्यूक्लियोइड, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा रहता है, इसमें कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये साइटोप्लाज्म में ही पड़ा रहता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या होता है साइटोप्लाज्म, अभी जस्ट हम डिस्कस करें। प्रोकैरियोटिक सेल हैव नो न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इंस्टेंट सम प्रोकैरियोट्स सच एज बैक्टीरिया। अब देखो इसके भी कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है जिनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, जैसे कि दोस्तों बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है, बट मोस्टली जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इस सेल की, दे ऑल आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, ये सभी सिंगल सेल के होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएंगे दोस्तों आर्किया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। ये दोनों चीजें मैं बैक्टीरिया में आपको पढ़ाने वाला हूं, बैक्टीरिया के काफी टाइप आएंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, देखो न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसके ऊपर मेम्ब्रेन कहां से होगी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम आर एब्सेंट। अभी बस इतना याद रख लीजिए, जब मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूंगा उसके बाद में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे, इसमें क्या एब्सेंट होता है क्या प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों यहाँ पे नहीं होती है, गोल्जी बॉडी यहाँ पे नहीं होती है, क्लोरोप्लास्ट एंड लाइसोसोम ये सभी चीजें एब्सेंट रहती है, क्वेश्चन पूछा जाता है। जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है दोस्तों, डीएनए, ठीक है, और सिंगल क्रोमोसोम। क्या होता है सिंगल क्रोमोसोम, मतलब एक ही स्ट्रैंड में पड़ा होता है बिखरा हुआ। हिस्टोन प्रोटीन द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स आर लैकिंग इन देम। मतलब जो हिस्टोन प्रोटीन होता है दोस्तों, हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, हिस्टोन प्रोटीन दोस्तों डीएनए को बाइंड करता है, डीएनए को ऐसे करके बाइंड करता है, यहाँ पे इस टाइप से हिस्टोन प्रोटीन होंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल का एक सबसे इंपॉर्टेंट। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड। इसमें जो सेल वॉल होती है वो कार्बोहाइड्रेट की और अमीनो एसिड की बनी होती है। यहां पे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं सभी चीजें। देखो दोस्तों यहां पे नोट लिखा है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ऐसे जीवधारी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स
जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होती है उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है दोस्तों, प्रजनन होता है, जैसे कि हम में होता है प्रजनन, ठीक है, तो ऐसे ही सभी में प्रजनन होता है तभी उनकी संख्या बढ़ पाती है। तो इनमें रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन से होता है, ध्यान रखना है दोस्तों, बाइनरी फ्यूजन एक एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब कि ये अलैंगिक प्रजनन का रूप है। जब मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको इसके सभी टाइप बताऊंगा। एक होता है सेक्सुअल, जो ह्यूमंस में होता है, और भी कैटेगरी में होता है, बट ह्यूमंस में हम बात करें, ह्यूमंस में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों ये सेक्सुअल होता है, मतलब इसमें फीमेल और मेल का कोई भी रोल नहीं होता, ये सभी कोई रोल नहीं होता है। तो ऐसे रिप्रोडक्शन में हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, और बाइनरी फ्यूजन दोस्तों आपको मोस्टली किसमें देखने को मिलेगा, अमीबा में, ठीक है। अमीबा में बाइनरी फ्यूजन से ही वे क्या करते हैं, वे डिवाइड करते हैं, और उसी से दोस्तों उनका रिप्रोडक्शन होता है। चलिए बात करेंगे फिर यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल एक मैच्योर सेल है। मैच्योर सेल होने का मतलब है इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और जो डीएनए होता है दोस्तों ये डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो डीएनए इस टाइप से होता है, बिखरा हुआ नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन भी मिलेगा आपको, सभी चीजें मिलेंगी, क्रोमेटिन भी होता है। तो ये सभी चीजें हैं जिनको हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, या हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आगे मैं इन्हीं चीजों को कवर करने वाला हूं। तो यहां पे देखो दोस्तों, इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है, फ्लैजिला इज ए लोकोमोटरी ऑर्गन इन यूकेरियोटिक सेल। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कोई सेल अगर मूव कर रही है तो किसके थ्रू से मूव करती है, तो मूव करती है दोस्तों फ्लैजिला। फ्लैजिला कुछ पूंछ के टाइप का होता है, ये सेल है और ये मूव करती है, तो इसमें पूंछ निकली होती है दोस्तों, तो यही इनको क्या कराता है दोस्तों, मूव कराता है, ठीक है। तो इसलिए लोकोमोटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, फ्लैजिला हो जाएगा। दी सेल डिवाइड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड माइटोसिस। जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे दोस्तों तो माइटोसिस इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सेल डिवाइड करती है माइटोसिस से। न्यूक्लियस कंटेन ए सिंगल लीनियर डीएनए विच कैरीज ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अभी इसको छोड़ दीजिए क्योंकि जब मैं डीएनए पढ़ाऊंगा तब आपको ये सभी चीजें समझ में आएगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होता है, डीएनए क्या होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल इंपोर्टेंट है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएंगे प्लांट्स, फंगी, प्रोटोजोन्स, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। ये सभी क्या है दोस्तों, जो मैंने अंदर दिखाई है ये है सब प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स कौन कौन से हो जाएंगे, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड प्लाज्मोडियम, ठीक है, एंड एनिमल। इन सभी में यूकेरियोटिक सेल पाई जाती है। अब देखो आप गूगल करेंगे अमीबा को, अमीबा कहीं कहीं पे दिखाता है दोस्तों ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है, बट उन पे नहीं जाना है, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ उसी को याद रखना है, ये एक यूकेरियोटिक सेल होती है। बट इसमें जो रिप्रोडक्टिव मोड होता है दोस्तों, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है दोस्तों एसेक्सुअली, क्योंकि यूकेरियोटिक सेल में दोनों मोड से रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअली भी होता है जैसे कि ह्यूमंस में होता है दोस्तों, एसेक्सुअली भी होता है, ठीक है, जैसे कि अमीबा में होता है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, दोनों टाइप से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पे देखो बाइनरी फ्यूजन दिखाने वाला हूं मैं। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, यह है दोस्तों आपका अमीबा, ये पेरेंट अमीबा है। अब ये क्या करेगा दोस्तों, ये इस टाइप से न्यूक्लियस, इसका ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दोस्तों इसका एलोंगेट होगा, लंबा हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों ये यहां से पतला होके सेपरेट हो जाएगा। तो देखो एक न्यूक्लियस ये चला गया, एक न्यूक्लियस ये चला गया, दो दो सेल बन चुकी है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेल डिविजन। और यहाँ पे ध्यान देना है दो चीज बताऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, पूछता है रिप्रोडक्शन इन अमीबा कैसे होता है, तो आपने बताना है
बाय द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन, या फिर इसी को दूसरे टाइप से पूछता है बाइनरी फ्यूजन। देखो यहां पे क्या हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन से ये क्या करते हैं, सेल डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन आंसर हो उसको लगा देना और बाइनरी फ्यूजन हो तो उसको लगा देना, दोनों कभी भी नहीं आएंगे। अब यहां पे हम सेल स्ट्रक्चर की बात करेंगे दोस्तों, तो सेल स्ट्रक्चर को मैं सेकंड वीडियो में पढ़ाऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9568738917।